हम तो पहले भी बता रहे हैं कि जितने लोग गांधी मैदान के अंदर में होंगे उसके चौगुना लोग बाहर में होंगे। ये लोग का पहले भी इतिहास रहा है कि ये लोग पीठ में छुरा भोंकता है। तो भाई मुख्यमंत्री जी को तो मैंने जन्मदिन के दिन भी कहा कि भाई जो गांधी जी का नहीं हुआ वो नीतीश का नहीं हो सकता है। आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह है, लगातार राजधानी पटना में लोगों का जुटान हो रहा है, बात करेंगे इनसे, कितने लोग जुटेंगे? स्वाभाविक है, हम तो पहले भी बता रहे हैं कि जितने लोग गांधी मैदान के अंदर में होंगे उसके चौगुना लोग बाहर में होंगे। आप पूरे, आप जितना भी सड़क देख रहे हैं पूरे पटना के, आपको कल दिख जाएगा कि किस तरह से लोगों के अंदर में वर्तमान सरकार और केंद्र सरकार के विरुद्ध में आक्रोश है। कल आपको साक्षात देखने को मिलेगा। और आपने यह भी देखा होगा कि जिस तरह से तेजस्वी यादव जी का जो यात्रा हुआ पूरे बिहार में और जिस तरह से लोगों का समर्थन उनको मिला वो तो अभूतपूर्व था। हर एक जगह हर एक रोड पे ही समझिए कि महारैला था। एक सवाल है, राहुल जी आए हुए हैं, नरेंद्र मोदी ने, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेजस्वी यादव को नाम नहीं लिया लेकिन तंज कसा है परिवारवाद को लेकर। देखिए यह तो पहले उन्हीं को देखना चाहिए कि उनके यहाँ जैसे सम्राट जी हैं तो सम्राट जी कौन है, उनके पिताजी कौन थे, विजय कुमार चौधरी जी उनके पिताजी कौन थे, अशोक कुमार चौधरी जी उनके पिताजी कौन थे, पॉलिटिशियन थे या किसान थे, आप ही बताइए। तो देखिए ऐसा है कि किसी को भी जनता चुन करके भेजती है, कोई यह राजतंत्र नहीं है कि किसी के नॉमिनेशन से कोई व्यक्ति बनता है। और जो व्यक्ति विधानसभा का लगातार नेतृत्व कर रहा हो, इस राज्य में लगातार उसकी लोकप्रियता बढ़ रही हो, आप क्या ये सब बात करते हैं, ये सब कोई अब बात नहीं है। सुनील जी आपने एक बात कहा था सदन में, सम्राट चौधरी बहुत जिद्दी आदमी है, पगड़ी नहीं खोल रहे हैं, क्या मतलब है इसका? जिद्दी नहीं बोले, हमने बोला था कि वो काफी स्वाभिमानी व्यक्ति हैं कि भाई जब उन्हें निर्णय ले लिया कि हम पगड़ी तभी खोलेंगे जब हम माननीय मुख्यमंत्री जी को गद्दी से उतार देंगे, और अभी तक साथ होने के बाद भी अगर मुरेठा नहीं खोल रहे हैं इसके मतलब है कि उनके मन में कुछ न कुछ छल है। और देखिए ये लोग का पहले भी इतिहास रहा है कि ये लोग पीठ में छुरा भोंकता है। तो भाई मुख्यमंत्री जी को तो मैंने जन्मदिन के दिन भी कहा कि भाई जो गांधी जी का नहीं हुआ वो नीतीश का नहीं हो सकता है। चलिए बिल्कुल, आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह थे और साफ तौर पर लगातार राजधानी पटना में लोगों का आने का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया है, कार्यकर्ता लगातार राजधानी पटना पहुंच रहे हैं। बड़ी बात ये है कि जिस प्रकार से कहा यह जा रहा है कि जो रैली हुई है पहले उस रैली का रिकॉर्ड तोड़ना है, लेकिन क्या होगा ये देखना बेहद होगा। सहयोगी गौतम के साथ नरेंद्र सिंह।